हाय, दिस इज सेफ जसीमुद्दीन। वेलकम टू रजाज किचन। आज हम आपको बताएंगे कि गाजर का हलवा कैसे बनता है, जो कि बड़े ही कम इंग्रेडिएंट में आसानी से घर पे आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो गाजर और इसको पील करके उसका स्टम मैंने काट लिया है। काटने के बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने वाला काम जो है बड़ा ही मुश्किल भरा होता है, बड़ा ही केयरफुल आपको ग्रेट करना होता है। और ग्रेट करते करते जब ये गाजर का हिस्सा लास्ट वाला बचे तो उस टाइम आप उसको हटा दें और उसको किसी सब्जी में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि नाखून में लग सकता है आपको। बड़ा ही केयरफुल आपको ग्रेट करना है, ठीक है। तो ये रहा, मैंने स्टार्ट कर दिया है ग्रेट करना। ग्रेट भी हो गया हमारा गाजर, जो बहुत मोटा नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। और ऐसे ही आपको ग्रेट करना है। अब इसको हम बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा घी का ज़रूरत है, जो कि मैंने 15 ml यानी 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है। और जो ग्रेट किया हुआ गाजर है उसको हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसको हम थोड़ा सा मिलाएंगे, मिला करके एक 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो इस बीच में आप बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, और हमको कमेंट में बताएं ताकि हमको पता चले कि हमारे जो फॉलोअर हैं वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो मैंने इसको कवर करके हमको 5 मिनट छोड़ना है, ज़्यादा नहीं। और ये चम्मच जो है जिससे आप पकाते हैं, आपको कब पता चला कि चम्मच यहाँ पे रखने की जगह होती है? हमको तो काफ़ी दिनों के बाद पता चला। अगर आपको कब पता चला हमको बताएं कमेंट में। कुछ नहीं, कोई भी चम्मच हो, स्टील का हो, लकड़ी का हो, या फिर जो भी हो, यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, तो ये 5 मिनट हो गया हमारा। 5 मिनट होने के बाद पानी भी सूख गया है और गाजर भी थोड़ा पक गया है। तो ऐसे स्टेज में हम क्या करेंगे, हमको चीनी डालना होता है। आराम से बनाए दोस्तों, आराम से बन जाता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। घर पे आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान है बनाना ये। तो चीनी यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम, यानी कि 1 किलो गाजर में जब 300 ग्राम लगता है तो मैंने आधा किलो गाजर लिया, तो हमको 150 ग्राम चाहिए। आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, हमने 150 ग्राम लिया है। अब ये चीनी जो है एक दूसरे में आराम से मिल जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा। जो अभी सूखा सूखा लग रहा था ना, वो एकदम मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा नरम लगेगा पकने के बाद, क्योंकि चीनी मेल्ट होता है, उसमें पानी होता है। देखिए एकदम मेल्ट हो गया है। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 300 ml मिल्क, यानी कि 1 गिलास और 1 और आधा गिलास। हम दूध को इसलिए मिलाएंगे कि मिलाने के बाद, चीनी मिलाने के बाद जो थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है ना, तो वो जब आप दूध डालेंगे तो वो चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा और गाजर जो थोड़ा पकने के लिए बाकी था वो भी पक जाएगा और मिल करके थोड़ा सा और स्वाद में जान बढ़ा देगा ये दूध। ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 300 ग्राम है। और देखिए अगले 3-4 मिनट तक के मैंने इसको कवर करके रखा। कवर कर रखने के बाद पानी भी, दूध भी सूख गया है, गाजर में लिपट गया है, चीनी भी उसमें है, खुशबू थोड़ा थोड़ा आने लगा है मुझे यहाँ पर। अब ऐसे हालत में हम क्या करेंगे, स्टेज पर हम जो घर पे खोआ जो बना के रखे थे वो खोआ हम इसमें डाल रहे। तो मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम खोआ। तो 100 ग्राम खोआ मैं इसमें डाल दूँगा। अगर आपको खोआ का रेसिपी जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप देख करके जान सकते हैं कि खोआ घर पे आसानी से कैसे बनता है। अब खोआ मैंने डाल दिया, अब ये खोआ क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा इसमें, आसानी से मेल्ट हो जाएगा। नॉर्मली बाज़ार का जो खोआ होता है वो बड़ा टाइट रहता है, आप घर में जो बनाते हैं वो बहुत ही नरम होता है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए मेल्ट हो गया है और इसका खुशबू और बढ़ने लगा है। थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे सैफरान, यानी कि 1 चुटकी सैफरान। हमारे पास सैफरान था तो हम वही डालेंगे, लेकिन अगर आपके पास सैफरान नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं ग्रीन कार्डमम, यानी कि जो इलायची का पाउडर होता है ग्रीन वाला, वो आप डाल सकते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन खुशबू देता है, वो डाल सकते हैं। और किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। तो करीब करीब हमारा हो ही गया है ये तैयार। इसको ढक देंगे थोड़ा सा। अब देखिए 2 मिनट मैंने ढका है और ये गाजर का हलवा करीब करीब तैयार हो गया है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा घी भी डालना है हमको लास्ट में, तो मैं थोड़ा सा घी लिया है और डाल दिया है और ये तैयार हो गया। अब ऐसे हालत में हम इसको प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन करने के लिए हमने थोड़ा सा एक गिलास लिया और एक कटोरी है शीशे का, जिसमें हम डाल करके आपको दिखाएंगे और टेस्ट करवाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे साथ में खड़े हैं हमारे, उनको
देंगे और पूछेंगे कैसा बना है, और तब तक के आप भी बताएं कि आपका गाजर का हलवा कैसा बना है और कितना आसानी से बन गया है, वो हमको कमेंट में बताएं आप। तो ये मैंने प्रेजेंटेशन करना चालू कर दिया है। अब इसमें और भी हम कुछ रखा है यहाँ पे, जैसे कि जो बेसिल सीड्स होता है जिसको जो सब्जा सीड कहते हैं, वो मैंने पानी में घोल कर रखा था, वो है हमारे पास। और थोड़ा सा बादाम को मैंने छुरी से काट के रखा है प्रेजेंटेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास किशमिश और काजू नहीं था, तो जो चीज़ हमारे पास है वो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास वो है तो वो आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने डाल दिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब्जा सीड जो है वो नॉर्मली आपके हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लीवर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो आप ऐसे भी इस्तेमाल करें, कोई शरबत है तो, या फिर किसी डेजर्ट में अगर गार्निश करना है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए। यहाँ में क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ग्रेट करके रखा था मैं बादाम आलमंड, वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा पुदीने का पत्ता भी है जो इसमें इसका लुक में चार चांद लगा देगा। अब ये हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको खा के बताते हैं और आप हमको बताएंगे कमेंट में कि ये गाजर का हलवा आपको कैसा लगा, कितना आसानी से बन गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये देखने के लिए, आपका टाइम देने के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दे करके ये रेसिपी देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।